लीनियर रिग्रेशन के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमने इससे पहले अभी कुछ देर पहले ही हमने डाटा को एक्सेस करना सीखा था, सीएसवी फाइल को रीड करना, डाटा को देखना और प्लॉट करना। तो अब आएँ जरा लीनियर रिग्रेशन पे बात करते हैं। लीनियर रिग्रेशन है क्या और हम किस तरह इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो लीनियर रिग्रेशन में हमने कहा था कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन लर्निंग की बात करेंगे, और जो है ना इसमें दो तरह के वेरिएबल्स होते हैं, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल। तो ये सारी मुश्किल बातें हम किसी इस लीनियर रिग्रेशन को, इसके मेथड को, और हम इस ऐसा क्यों अप्लाई कर रहे हैं और इसकी क्या ज़रूरत है, इसको आसानी के साथ समझने की कोशिश करते हैं। और ये देखते हैं कि भाई हम क्यों कर रहे हैं, ये डेटा को हम प्लॉट तो कर लेंगे, प्लॉट करके हमें क्या फ़ायदा होगा। तो आएँ ज़रा इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमने पिछले सवाल में होम प्राइस का जो डाटा प्लॉट किया था वो हमारे सामने मौजूद है, और इस डाटा को हमने प्लॉट कर दिया था। अब हम चाहते हैं कि प्रिडिक्शन करें, फोरकास्टिंग करें। क्यों करें भाई, इससे क्या फ़ायदा होगा? तो ज़रा सोचें कि हमारे पास एक कंपनी है और उस कंपनी में सेल्स होती हैं, यानी चीज़ें हम बेचते हैं, बहुत सारे प्रोडक्ट्स बेचते हैं। तो हमने कहा कि भाई दो तरह के वेरिएबल होते हैं, एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो हम एक्स एक्सिस पे रखते हैं, और एक होता है डिपेंडेंट वेरिएबल जिसे हम वाई एक्सिस पे रखते हैं। तो हमारे यहाँ हमने कहा एरिया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और प्राइस जो है वो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल। अच्छा, इसी तरह हम कंपनी की सेल्स की बात कर लेते हैं कि टाइम यहाँ पे लिखा हुआ है 2009-2010 या 2009-10 कर देते हैं, जनवरी, मार्च, मई, जुलाई, सितंबर, दो महीने का डाटा, दो महीने की यहाँ पे हम टाइमलाइन दे रहे हैं, और इधर कंपनी की सेल्स है। तो हम ये देख रहे हैं कि कंपनी का जो सेल्स ट्रेंड है, यानी कंपनी जो है वो ग्रोथ उसकी बढ़ती जा रही है, ठीक है। तो ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं हर महीने, उसका जो ग्राफ है वो ऐसे नीचे से ऊपर जा रहा है। तो लीनियर रिग्रेशन हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, बहुत आसान अल्फाज में अगर कोई मुझसे पूछे, तो हम ये प्रेडिक्ट करना चाहें कि अगर सितंबर तक जनवरी में इतनी सेल थी, फरवरी में इतनी थी, मार्च में इतनी थी, अप्रैल में इतनी थी, अगर कंपनी का ग्राफ पिछले 6 महीने से लीनियरली ग्रो कर रहा है तो अगले महीने सेल्स कितनी होगी। तो अगर हम अपने पर्टिकुलर डेटा पॉइंट्स को देखते हुए आगे प्रेडिक्ट करना चाहें कि आगे हम कहां तक जा सकते हैं, तो हम उसके लिए लीनियर रिग्रेशन इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, कोई ऐसी कंपनी है जो कि इंश्योरेंस कंपनी है, और इंश्योरेंस कंपनी भी इस तरह कर रही है कि वो अपने एम्प्लॉयज पर इन्वेस्ट कर रही है और देख रही है कि उसे प्रॉफिट होता जा रहा है। तो वो ये देखेगी कि अब हमें नए कस्टमर्स को इंडक्ट करना है या नहीं, ये भी लीनियर रिग्रेशन के थ्रू होगा। तो अगर लीनियर रिग्रेशन के लिए हम आसान सी बात करें कि भाई ये जो आप इतनी सारी बातें कर रहे हैं, मैथमेटिक्स कर रहे हैं, इस लीनियर रिग्रेशन का फ़ायदा क्या है, हमें क्या इसका फ़ायदा होगा, इस मशीन लर्निंग का, इस लीनियर रिग्रेशन का हमें क्या फ़ायदा होगा। तो अगर हमें इवेलुएट करना है सेल्स एस्टिमेट्स को, हमें इवेलुएट करना है चीज़ों की बढ़ती हुई कीमत को, हमें असेसमेंट ऑफ रिस्क इन फाइनेंशियल सर्विसेज, इंश्योरेंस डोमेन में जाना है, तो सबके लिए हमें किसका इस्तेमाल करना होगा, लीनियर रिग्रेशन का इस्तेमाल करना होगा। तो आए इस लीनियर रिग्रेशन को देखते हैं, और लीनियर रिग्रेशन को देखने के लिए हमने देखा कि यहाँ पे कुछ डेटा हमने प्लॉट कर दिया, ये एरियाज हैं, ठीक है, और हम प्रेडिक्ट कैसे करते हैं और ये लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म कैसे करते हैं, क्योंकि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन परफॉर्म करें तो इसको हमें समझना है। ये एरियाज लिखे हुए, और हमने कहा कि 2600 स्क्वायर फुट का जो एरिया है उसकी कीमत इतने डॉलर है। अब हम यहाँ पे प्रेडिक्ट करना है, हम ये चाहते हैं हमें पता लग जाए 33, हमें क्या पता लग जाए, 3300 स्क्वायर फिट का जो एरिया होगा मकान, उसकी कीमत क्या होगी। ये हमें कैसे पता चलेगा भाई, इसका तो डेटा पॉइंट ही नहीं। तो हम कोई चीज़ प्रेडिक्ट कर रहे हों तो हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, डेटा पॉइंट्स की। और हमें फ़र्ज करें डेटा मिल गया, डेटा मिल गया तो हम क्या करते हैं, लीनियर रिग्रेशन में एक लाइन ड्रॉ करते हैं। चले हम ब्लैक से ड्रॉ कर लेते हैं एक लाइन, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं हम लीनियर रिग्रेशन में भी ऐसा करते हैं कि एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम एक दूसरी लाइन भी ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ से ड्रॉ करते हैं एक दूसरी लाइन, इसका कलर हम दूसरा रखना चाहते हैं, इस लाइन का हम इस लाइन का कलर रख लेते हैं, रेड रख लेते हैं, और जो है ना इस लाइन को हम ड्रॉ करते हैं,
ये दूसरी लाइन हमने ड्रॉ की, इसका कलर मुझे दूसरा चाहिए, अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट करूँ फिलहाल कलर जो भी हो उससे मुझे इशू नहीं। हमने बहुत सारी लाइनें इस तरह की ड्रॉ की, ठीक है, और हम लाइन्स ड्रॉ करते जा रहे हैं और हमने दो चार लाइनें ड्रॉ कर दी। तो भाई इस लाइन का क्या मकसद है, हम प्रेडिक्ट करना चाहते हैं कि 3300 पे हमारे पास क्या डाटा मौजूद हो, यानी 3300 अगर हमारे पास यहाँ पे स्क्वायर फिट दे दिया जाए एरिया, तो हमारे पास क्या डाटा मौजूद होगा। तो हम लाइंस ड्रॉ करते हैं बहुत सारी लाइन, और उस लाइन में वो लाइन जो कि बेस्ट फिट लाइन होती है, कौन सी लाइन, किसकी हम बात कर रहे हैं, उस लाइन की जो कि बेस्ट फिट होती है हमारे पास। ये बेस्ट फिट लाइन क्या होती है, इन लाइन में बेस्ट फिट क्या होगी, भाई आपने तो बहुत सारी लाइनें ड्रॉ कर दी, और ड्रॉ कर देते हैं हम लाइन यहाँ पे उठाते हैं और ये वाले कलर से भी एक लाइन ड्रॉ कर देते हैं, सॉरी हम यहाँ से लाइंस ड्रॉ करते हैं पेंट से, कोशिश करते हैं कि लाइन ड्रॉ कर दें एक अच्छी सी, फिलहाल ये लाइन पता नहीं क्यों विजिबल नहीं हो रही, उस पर नहीं जाते हम, बहुत सारी लाइंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो हम कहेंगे कि हमें प्रेडिक्ट करना है, तो हम प्रेडिक्ट किस तरह करते हैं, भाई हम इस तरह प्रेडिक्ट करते हैं कि यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं और इसका जो इंटरसेक्शन होता है उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं, और हमें पता लग जाता है कि भाई अगर 3300 स्क्वायर फिट अगर किसी मकान का एरिया है, किसी फ्लैट का एरिया, तो उसकी कीमत क्या होगी। लेकिन सवाल ये आता है कि आप ये कैसे पता करते हैं कि कौन सी लाइन अच्छी है, तो उसके लिए हमारे पास आर स्क्वायर मेथड होता है। हम हर पॉइंट का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, कैसे भाई डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं, ये हमारे पास बड़ी अहम बात है कि हम हर पॉइंट का डिफरेंस कैसे कैलकुलेट करते हैं लाइन से। अब ये डिफरेंस कैसे कैलकुलेट होगा, तो इसको हम एक मेथड है जिसको इस्तेमाल करते हैं, आर स्क्वायर मेथड। अच्छा, हम क्या करते हैं, डिफरेंस निकालते हैं किसका, पॉइंट का और लाइन का, और हर लाइन ड्रॉ करते हैं, तो जिस लाइन का डिफरेंस आर स्क्वायर सबसे लीस्ट होता है, जिस लाइन का डिफरेंस पॉइंट से क्या होता है सबसे लीस्ट होता है, एक होता है बहुत ज़्यादा डिफरेंस, उस लाइन को हम रिजेक्ट कर देते हैं, और जिस पॉइंट का डिफरेंस, जो लाइन ऐसी होती है जिसका आर स्क्वायर, यानी आर स्क्वायर क्या है भाई, पॉइंट से लाइन का डिफरेंस है कि कितना डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस निकालते हैं, जिसका डिस्टेंस सबसे लीस्ट होता है उस लाइन को हम कौन सी लाइन कहते हैं, बेस्ट फिट। कौन सी लाइन हमारे पास, रिग्रेशन लाइन होती है जिसमें आर स्क्वायर की वैल्यू सबसे कम होती है। अभी आर स्क्वायर कैसे पता चलता है भाई, आर स्क्वायर डिफरेंस होता है आपकी लाइन का और आपके पॉइंट का, इस डिफरेंस को हम क्या कहते हैं, आर स्क्वायर। तो जो आर स्क्वायर हमारे पास सबसे क्या होता है, कम होता है, उसको हम कहते हैं ये लाइन बेस्ट फिट है, और इसको रिग्रेशन लाइन कहते हैं। फिर हम उस लाइन को ड्रॉ करते हैं, और अगर हमें 3700 का डाटा निकालना हो, 3700 से एक लाइन प्लॉट करेंगे और इसको यहाँ पे सामने से चेक कर लेंगे इसकी प्राइस क्या, हमें निकालना है भाई 2900 की क्या प्राइस होगी, तो 2900 से यहाँ से एक हम लाइन ड्रॉ करेंगे, इस लाइन पे टच करेंगे और सीधा चले जाएंगे। तो हम रिग्रेशन से क्या कर सकते हैं, कोई भी चीज़ प्रिडिक्ट कर सकते हैं अवेलेबल डाटा से और फोरकास्ट कर सकते हैं। तो आए हम अपने रिग्रेशन मॉडल में कुछ मेहनत करते हैं। ये हमारे पास एरिया लिखा हुआ है और ये हमारे पास प्राइस लिखी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि जो मैं रिग्रेशन मॉडल इस्तेमाल कर रहा हूँ, उस रिग्रेशन मॉडल को इस्तेमाल करते हुए मैं क्या प्रिडिक्ट करूँ, ये प्रिडिक्ट कर लूँ कि 3300 स्क्वायर फीट का अगर फ्लैट है तो उसका एरिया क्या होगा, हमारे पास डाटा कौन सा, ये वाला। तो इस लीनियर रिग्रेशन को करने के लिए कितना सारा काम करना पड़ेगा, आपको इतनी सारी लाइनें ड्रॉ करनी पड़ेंगी, फिर उन लाइंस में क्या ढूंढना पड़ेगा, इतनी सारी लाइनें ड्रॉ करने के बाद उन लाइंस में आपको बेस्ट फिट ढूंढना पड़ेगा। तो ये बेस्ट फिट कहाँ से आएगा भाई, इसमें बेस्ट लाइन कौन सी, कोई यूं जा रही है, 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 तो बेस्ट फिट किस कैसे निकालेंगे भाई, डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस निकालने के बाद हमें कौन सा फार्मूला लगाना है, आर स्क्वायर, जिसमें आर स्क्वायर में सबसे डिफरेंस ज़्यादा होगा उसको हम रिजेक्ट कर देंगे, और जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा उसको हम एक्सेप्ट कर देंगे। तो ये सारा मेथड कैसे परफॉर्म होता है, तो आए ये देखें, जब हम मैनुअल कैलकुलेशन करते थे तो ये हमने डाटा पॉइंट्स लिए एक्स और वाई के, फिर उसके बाद हमने क्या किया,
एक्स का मीन निकाला, फिर हमने वाई का मीन निकाला, फिर एक्स माइनस एक्स का मीन, वाई माइनस वाई का मीन, ये वो सारे मेथड हैं जो आपके आप परफॉर्म करते थे। और आपको पता है आप जो है ना जब ये सारे मेथड कैलकुलेट करते थे, स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन वेरिएंस, ये सब आप मैथमेटिक्स में कैलकुलेट कर चुके हैं। और लाइन का स्लोप निकालना, फिर ये सारी चीज़ें आपको आती हैं। फिर आपने ये वाई का निकाला, फिर उसके बाद एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, फिर वाई माइनस वाई स्क्वायर, फिर आपने यहाँ पर क्या निकाला, स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन निकालना भी जरूरी है। आपको पता कैसे चलेगा कि आप कौन कौन सी वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो आपने स्लोप निकाला नाइन का, स्लोप निकालने के बाद आपने मीन स्क्वायर एरर कैलकुलेट किया। इन सब डेटा को अगर हम भूल भी जाएं तो हम क्या कर रहे हैं भाई, मीन स्क्वायर हमने एक लाइन ली और फिर उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, तो जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो हमारे पास बेस्ट लाइन होगी। तो हमने यहाँ पे स्लोप निकाल लिया। आप सबको पता है स्लोप, स्लोप ऑफ द लाइन के लिए आप एक फार्मूला इस्तेमाल करते थे, वाई इज़ इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो m तो आपने यहाँ से कैलकुलेट कर दिया, ये सारी कैलकुलेशन आपने करनी पड़ेगी। लेकिन हम पाइथन में ऐसा जादू करना चाहते हैं कि कुछ भी ना करना पड़े, हम लीनियर रिग्रेशन की सिंपल कमांड लिखें और ये सारी चीज़ें, ये जो स्लोप कैलकुलेशन हो रही है, ये एम एक्स प्लस सी, एम और x की वैल्यू आप बार बार बदल के रख रहे हैं और फिर उसके बाद ये सारी कैलकुलेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद ये आप आर स्क्वायर कैलकुलेट कर रहे हैं इन सारी वैल्यूज़ को रख के, फिर आप बेस्ट फिट लाइन निकाल रहे हैं, यानी रिग्रेशन लाइन निकाल रहे हैं। ये सब ना करना पड़े और पाइथन हमारे लिए ये सब खुद कर दे और हमें प्रेडिक्शन के लिए ये सब कुछ भी ना करना पड़े, पाइथन खुद ब खुद बेस्ट फिट लाइन निकाले और हमें आंसर कैलकुलेट करके दे दे। तो ये काम हम पाइथन से कैसे करेंगे, तो ये चीज़ हम सीखना चाहते हैं। और हम ये 3300 स्क्वायर फिट का डाटा जो है, इससे हम अपने एरिया मकान की कीमत निकालना चाहते हैं। ये हमारे पास CSV फाइल है, तो हम जाते हैं अपनी नई फाइल और इस प्रोग्राम को करने के लिए और इस प्रोडक्शन और फोरकास्टिंग को सक्सेसफुल बनाने के लिए। तो इसका हम नाम देते हैं लीनियर रिग्रेशन 1 के नाम से इस प्रोग्राम को लिखेंगे हम। अच्छा, इस प्रोग्राम में क्या करना है, बड़ी गौर से सबने इसको देखना है, इम्पोर्ट और पांडास पीडी, फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, इम्पोर्ट, सबको इम्पोर्ट होती हैं चीज़ें, नम पाए एज एन पी, देन क्या करना है, अब हमें प्लॉटिंग प्लॉटिंग तो करनी नहीं, लीनियर रिग्रेशन लगाना है। तो बार बार हम लीनियर रिग्रेशन के लिए क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, फ्रॉम एस के लर्न, के लर्न से हम क्या निकालेंगे, इम्पोर्ट लीनियर मॉडल, ठीक है। और फिर उसके बाद हम क्या लिखेंगे, डी एफ, कैसे इम्पोर्ट किया है इसको, इम्पोर्ट किया है डी एफ हम एक वेरिएबल बना लेते हैं। और हमें सबको पता है कि जो है ना पांडास हमें क्या सिखाता है, लाइब्रेरी को रीड करना, रीड CSV इसकी बिल्ट इन कमांड है। और क्या है भाई, इस बिल्ट इन कमांड के अंदर, इस बिल्ट इन कमांड के अंदर हम क्या देखना चाहते हैं, इस बिल्ट इन कमांड के अंदर हम होम प्राइस देखना चाहते हैं। तो ठीक है, हम इसमें होम प्राइस देखने की कोशिश करते हैं। तो ये होम प्राइस इसने खुद ब खुद प्रेडिक्ट कर लिया। और फिर उसके बाद हम क्या करना चाहते हैं, हम इसको प्लॉट करना अब नहीं चाहते, हम नहीं चाहते प्लॉट करना, हम इस पे लीनियर रिग्रेशन लगाना चाहते हैं। ये सारा मेथड डेटा को प्लॉट करना, मीन निकालना, मीन निकालने के बाद स्लोप निकालना, स्लोप के अंदर वैल्यूज पुट करना, मीन स्क्वायर एरर निकालना, एरर के बाद लीस्ट मीन स्क्वायर एरर से सबसे बेस्ट लाइन प्रेडिक्ट करना। तो इन सारे मेथड को हम यहाँ पे आसान कर रहे हैं पाइथन की एक लाइन लिख के। वो लाइन क्या है, रिग्रेशन आरी लेबल लिखा है मैंने और इसके अंदर मैं कह रहा हूँ इसको लीनियर, लीनियर मॉडल, ये मैंने फंक्शन पाइथन का कॉल करा है और इसके अंदर डॉट, इसके अंदर से क्या कॉल करा है, लीनियर रिग्रेशन, ये मैंने कॉल करा दिया। और इसमें कोई आर्गुमेंट नहीं रखूँगा क्योंकि हम सिंपल लीनियर रिग्रेशन कर रहे हैं, बहुत आसान करना चाह रहे हैं। और रिग्रेशन डॉट फिट, और इसको मैं फिट कर रहा हूँ, इसको मुझे बताना पड़ेगा कि भाई कौन सा डाटा लेना है तुमने एक्स वाई, और जितना भी काम है ये खुद ब खुद उस डाटा पे परफॉर्म कर देगा। तो ये मैंने इसको कहा कि आपने जो डाटा लेना है वो कहाँ से लेना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा df, वो सेम वेरिएबल है जिसने रीड की हुई है मेरी CSV फाइल पहले से। फिर उसके बाद याद रहे एक आप स्क्वायर ब्रैकेट बनाएंगे, ठीक है, और एक स्क्वायर ब्रैकेट और बनाएंगे, ठीक है, और उस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्या लिखेंगे आप, एरिया लिखेंगे, एरिया जो कि आपका डिपेंडेंट वेरिएबल, और डिपेंडेंट वेरिएबल डबल स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा करें, फिर उसके बाद कॉमा डालेंगे, फिर उसके बाद आप इसको कहेंगे कि भाई हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमारा कौन सा है, प्राइस, तो ये आप इस पर रिग्रेशन लगाएगा खुद ब खुद। और फिर उसके बाद हमें क्या करना है, हमें प्रेडिक्ट क्या करना है भाई, हमें प्रेडिक्ट करना है रिग्रेशन डॉट प्रेडिक्ट। अच्छा, प्रेडिक्ट किस में करना है, हम एरिया बदलेंगे और इससे पूछेंगे कि भाई एरिया हम बदल रहे हैं तो कीमत बता दो। तो एरिया कौन सा वेरिएबल है, दोबारा से हम बात करते हैं,
एरिया डिपेंडेंट वेरिएबल है तो किस में आएगा, दो स्क्वायर ब्रैकेट में आएगा। और कौन सा एरिया, हमने क्या बात की थी अपने क्वेश्चन में कि हम ये 3300 में से निकालेंगे कि भाई क्या प्राइस आती है। तो ठीक है 3300 रख देते हैं यहाँ पे, और इससे पूछते हैं कि भाई 3300 अगर हमारा एरिया हो जाए तो प्राइस क्या आएगी। तो ठीक है, अब हम इस प्रोग्राम को, लीनियर रिग्रेशन का प्रोग्राम समझने के बाद इसकी मैनुअल इंटरप्रिटेशन हमने बहुत सिंपल दो लाइनों में इस पूरे प्रोग्राम को लेकर आ गए हैं, और देखते हैं ये क्या हमारे को आउटपुट निकाल के देता है, और देखेंगे इसका आउटपुट कितना सही है कितना गलत है। तो इसने दिया 628715, और देखें इसने 3300 का दिया, देखें 3200 का क्या है 61 और 36 का है 68, तो इसके बीच में कोई होगा 3300, तो इसने बिल्कुल सही हमें निकाल के दिया। और इसने मिनटों में हमें ये बता दिया कि अगर एरिया ये हो जाए तो क्या आंसर होगा। तो ये लीनियर रिग्रेशन का कमाल है, और हम इसको थोड़ा सा और आगे लेके जाएंगे। अब हम चाहेंगे कि हम जो है इसे एरिया, हमने एक एरिया दिया इसको, एक एरिया प्रोवाइड किया, इसने आंसर निकाल के दे दिया। अब हम चाहते हैं कि जो एरिया है ये एक नौ, हम कह रहे हैं कि एरिया एक नौ यहाँ भी कोई एरिया हो, और ये उसका भी रिग्रेशन निकाल के दे, तो हम एरिया एक नहीं रखेंगे, हम ये कह रहे हैं एरिया वन, इसका भी रिग्रेशन निकालो। एरिया वन पे अगर इतना एरिया हो जाए तो एरिया टू, इसका भी रिग्रेशन निकाल के दो। हम कह रहे हैं इधर अगर इतनी कीमत हो जाए इसका भी रिग्रेशन निकाल के दो। हम कह रहे हैं अगर इतने स्क्वायर फिट का हो जाए तो इतने इसकी भी कीमत निकाल के दो। तो अब हमने सवाल को मुश्किल कर दिया है, क्या मुश्किल कर दिया है भाई, हमने ये मुश्किल किया है एरियाज जो है हमारे पास, अब एक दो पे नहीं प्रिडिक्ट करो, मल्टीपल एरियाज आ गए हैं, बहुत सारे एरियाज आ गए हैं, 1 2 3 और मल्टीपल एरियाज आ गए। तो क्यों आप मुझे ये बताएं कि अगर एरियाज बहुत सारे आ गए तो इस एरिया पे क्या आउटपुट होगा, इस एरिया पे क्या आउटपुट होगा, इस एरिया पे क्या आउटपुट होगा, तो सबको प्रिडिक्ट करें। तो अब हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे जाना पड़ेगा। वो एडवांस लेवल क्या है कि हम अपनी फाइल में आते हैं, और फाइल में आके हम एरियाज की एक अलग फाइल क्रिएट कर लेते हैं। एरियाज की एक अलग फाइल हम देख लेते हैं क्या है भाई, ये हमारे पास एरियाज की एक फाइल आ गई, ये हमने बना ली एरियाज की एक फाइल, इसके अंदर बहुत सारे एरियाज डाल दिए, 1500 1000 और कितने एरियाज डाल दिए हमने इसके अंदर, तकरीबन 14 एरियाज डाल दिए। हमने कहा इन सब एरियाज को हम प्रोवाइड करते हैं, और इसको कहाँ पे लेके जाते हैं, उसी फोल्डर में जहाँ पे हमारा सारा डाटा मौजूद है। और हम कह रहे हैं ये सारे एरियाज हम पाइथन को प्रोवाइड करें, पाइथन इन एरियाज को रीड करें, और रीड करने के बाद हमें खुद ब खुद बता दे कि भाई ये आंसर होगा इसका। तो और जो है ना फिर हम उसके बाद ये करें कि देखें भी कि भाई वाकई में पाइथन ने सही आंसर निकाला भी है, या फिर ये ऐसे ही हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। तो हम एरियाज एक दे रहे थे, लेकिन इस सवाल में हमने एडवांसमेंट क्या किया, अब जो हम दूसरा प्रोग्राम लिखने जा रहे हैं उसके अंदर एरियाज मल्टीपल दे देंगे, और पाइथन को बोलेंगे कि भाई आप जो है इन सारे एरियाज को जाएं कैलकुलेट करें रिग्रेशन से, और सबका हमें आंसर प्रोवाइड कर दें। ठीक है, तो अब पाइथन ऐसा करेगा, और इसके साथ हम इसको ये बोलेंगे कि भाई ये जो आप जो है ना लाइन निकाल लो, इस लाइन को प्लॉट भी करो, यानी ये जो आप हमारे साथ लाइन प्लॉट जो बना रहे हो इसको प्लॉट भी करो। तो हम प्लॉटिंग भी देखेंगे और एरियाज भी देखेंगे कि भाई एरियाज कैसे कैलकुलेट होंगे और पाइथन किस तरह जल्दी से इनको कैलकुलेट करे। तो आए हम इसी प्रोग्राम पे जाते हैं, और ये सारी लाइब्रेरीज तो सेम ही है और हमें फाइल भी सेम ही रीड करानी है, तो हम इस पूरी फाइल को कॉपी करवा लेते हैं, और इससे कहते हैं कि भाई ठीक है आपने क्या कहते हैं वही करना है, लाइब्रेरी में जाके आपने जो है ना उसी फाइल पे जाना है, और लेकिन फाइल तो यही है तो आपने रीडिंग भी यही करनी है। ठीक है भाई रीडिंग भी यही कर लो, तो ये भी हम कॉपी कर देते हैं कि भाई तुमने रीड भी यही करना है। ठीक है, और मॉडल भी इसी पे लगाना है रिग्रेशन का मॉडल, तो ये इससे भी कोई हमें इख्तिलाफ नहीं कि आपने रिग्रेशन करना है, रीड करनी है एरिया। लेकिन अब एक चीज़ यहाँ पे चेंज होगी, वो चीज़ क्या है, एरिया की भी एक फाइल आ गई है, जो कि फाइल हम खुद मिलाए, हम पाइथन से कहें कि भाई आप उसको भी रीड करो। पाइथन अब सिर्फ अपनी जो रिग्रेशन जिस पे लगाना है उसको ना रीड करे, हमने एक फाइल दी है बना के उसको भी रीड करे, उसमें से एरिया निकाले और फिर वो हमें रिग्रेशन फाइल पे लगा के दे, और हमें ये बताए कि हाँ भाई
ये जो एरियाज हैं मैं इन सब का आंसर बता सकता हूँ, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा एडवांस इसको इस सेंस में कर दिया है कि हमने इसको कह दिया है कि आप जो हैं अब नए एरियाज की फाइल लें और उन नए एरियाज की फाइल पर रिग्रेशन लगाएं, एरियाज हमारे लें और मॉडल पुराना इस्तेमाल करें। तो आए ज़रा इसको यहाँ पे बताते हैं कि कौन से फाइल रीड करनी है, एरियाज डॉट सी एस पी, ये रीड कर लेगा। फिर उसके बाद एरियाज डॉट सी एस पी लगाने के बाद हम इसको बताते हैं कि भाई रिग्रेशन जो आपने करना है ना फिट विट नहीं करना है। पहले आपने यहाँ प्रिडिक्ट कर दिया था इस पर 3300 ए की वैल्यू, अभी भी आपको प्रिडिक्ट तो अभी भी करना है लेकिन अब एक वैल्यू पे नहीं करना, अब आपने पूरी एक फाइल के अंदर जितनी वैल्यूज पड़ी हुई है उन सब पे प्रिडिक्शन लगानी है। तो हम इसको कहते हैं रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट, पहले एक वैल्यूज पे प्रिडिक्ट कराया था लेकिन किस पे प्रिडिक्ट करना है, अब आपने एरिया डी एफ यानी ये जो फाइल है एरिया डॉट सी एस पी इसमें जितने एरियाज पड़े हुए हैं सब पे प्रिडिक्ट करना, और सब पे प्रिडिक्ट करने के बाद आप हमें आंसर बताना। तो हमने पाइथन के लिए काम क्या कर दिया, मुश्किल कर दिया। फिर उसके बाद आपने क्या किया, आपने कहा कि भाई सही है आप ऐसा कर देना, और इसके बाद हमने एक नया काम भी इसमें किया कि भाई ठीक है पाइथन जाएगा इन सारे एरियाज पे जो जो मौजूद होंगे उन्हें प्रिडिक्ट करेगा। तो कैसे प्रिडिक्ट करेगा ज़रा देख लेते हैं, प्रिडिक्ट कर भी रहेगा नहीं ये, यानी ये सारे एरियाज पे जाके प्रिडिक्ट करेगा सबके लिए हमें आंसर निकाल के देगा। तो पाइथन ने ये काम करना है लेकिन हम इसमें और एडवांस करते हैं इसको, देखें इसने यहाँ पे प्रिडिक्ट करके हमें सारी चीज़ें दिखा दी हैं लेकिन हम और एडवांस करना चाह रहे हैं इसको, हम एडवांस कुछ इसको इस सेंस में करना चाह रहे हैं कि पाइथन ठीक है जाए प्रिडिक्ट करे लेकिन प्रिडिक्ट करने के साथ साथ ये जो प्रिडिक्शन हो रही है इसे एक अलग फाइल में सेव करें, यानी मेरे जो एरियाज हैं वो सारे के सारे इवेलुएट भी हों और उनकी कीमत भी कैलकुलेट हो गई इस एरिया की करके इतनी कीमत हो और एक नई फाइल बन जाए जिस फाइल का नाम हो प्रिडिक्शन और उस प्रिडिक्शन की फाइल में ये जाके सेव हो जाए। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ एरिया डी एफ और यहाँ पे बताता हूँ प्राइसेस के नाम से एरिया डी एफ के फोल्डर में, एरिया डी एफ ये जो मैंने एरियाज डॉट सी एस पी का फोल्डर बनाया था जो रीड करवाया था इसी को इसी वेरिएबल को इस्तेमाल किया और इसमें एक मैंने कॉलन बनाया स्क्वायर ब्रैकेट में प्राइसेस और इसको इज इक्वल्स टू पी कर दिया मैंने, ठीक है। और एक पी पी क्या है भाई, पी ये रिग्रेशन डॉट प्रिडिक्ट का वेरिएबल है। अच्छा, और उसके बाद मैंने पाइथन को कहा कि पाइथन आप ये तो करें लेकिन ये जो आप एरियाज निकालेंगे रिग्रेशन से इनकी भी एक सी एस पी फाइल बनाएं। तो यहाँ लिखूँगा डॉट टू और यहाँ पे लिख दिया सी एस पी और उस सी एस पी फाइल का नाम क्या रखें, उस सी एस पी फाइल का नाम रखें आवर एरिया बेस्ड प्रिडिक्शंस, ये इस फाइल का नाम रखें और एक्सटेंशन क्या हो फाइल का सी एस पी। तो ये हमने लिख दिया, पाइथन को हमने ये बता दिया। अब हम चाहते हैं कि पाइथन जो है ये सारी चीज़ें प्रिडिक्ट करे और प्रिडिक्ट करके हमें आंसर भी बताए, और इसको और एडवांस अगर करना है तो हम ये कर सकते हैं कि पाइथन को ये बता दें कि आप जो है आंसर भी प्रिडिक्ट आंसर जो प्रिडिक्ट करें उन्हें प्लॉट भी कर दें। तो पाइथन ऐसा भी कर सकता है, तो ये आपकी मर्जी पर है आप इसको और एडवांस कर दें। तो हमने क्या किया इसके अंदर दोबारा से समझ लेते हैं ताकि सबका कॉन्सेप्ट इसमें क्लियर रहे। हमने पहले सबसे पहले ये किया था कि हमने पाइथन को होम प्राइस प्रोवाइड की थी, पाइथन ने होम प्राइस खोली और इस मॉडल को एक्स और वाई पे प्लॉट किया, प्लॉट करने के बाद उसने प्रिडिक्शन लगाई कि अगर 3,000 3,200 3,600 लिखा हुआ 3,300 हो जाए तो कितनी प्राइस होगी। ये हमने बहुत सिंपल सा एक काम किया था। फिर हमने इस काम को एडवांस किया और हमने पाइथन को बोला कि आप डेटा वही इस्तेमाल करें, एरियाज हमारे ले लें और इन सब एरियाज पे क्या आंसर होगा ये कैलकुलेट करके बताएं, यानी इधर आप प्राइस लिखें और प्राइस कैलकुलेट करके बताएं। तो हमने ये सारा काम इस फोल्डर में प्रोवाइड किया है और यहाँ पे एरियाज का हमने फाइल प्रोवाइड कर दिया। अब पाइथन जब हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे खुद ब खुद जाएगा और हमें प्रिडिक्शन की फाइल कैलकुलेट करके देगा। हम इसको रन करते हैं और इस प्रोग्राम को रन करने के बाद ये होगा कि हम जाके चेक करेंगे अपने यहाँ पे कोई आउटपुट नहीं आया, हम मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के फोल्डर में जाते हैं और देखें यहाँ पे आ गई फाइल आवर एरिया बेस्ड प्रिडिक्शन। हम जाके इसको रीड करते हैं और इस फाइल को ओपन किया, ये देखें ये पाइथन ने प्रिडिक्शन लगाई है
और ये पाइथन का कमाल है कि इसने प्रेडिक्शन से खुद ब खुद हमें ये बता दिया कि अगर 1000 एरिया होगा तो इतनी कीमत, 1500 इतनी कीमत। और ये इसको कैसे पता चला, जो आपने इसको डेटा प्रोवाइड किया था उस डेटा पे इसने एनालिटिक्स लगाई, उस डेटा पे इसने लीनियर रिग्रेशन लगाई। ये डेटा जो आपने प्रोवाइड किया था, इसने लीनियर रिग्रेशन लगाई इस डेटा पे, और इस डेटा पे लीनियर रिग्रेशन लगाने के बाद इसने ये बताया कि इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा, इसका आंसर ये होगा। तो मेन बात ये है, इसके अंदर आपने प्रोग्राम को समझना है, और ये प्रोग्राम काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आपके लिए कि आपने लीनियर रिग्रेशन की एक छोटी सी लाइन से इतना बड़ा काम कितनी आसानी से परफॉर्म कर लिया। तो आए अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे लेकर जाते हैं, और जो ना थोड़ी सी इसके अंदर एडवांसमेंट करते हैं। एडवांसमेंट कुछ इस तरह कि हम इस प्रोग्राम की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ये प्रोग्राम बड़ा मुश्किल सा प्रोग्राम था जो कि हमने लिखा, और इसको प्लॉट करना ये आपका असाइनमेंट है कि आप मुझे इसे प्लॉट करके भी दिखाएंगे। आपने ये तो देख लिया कि लीनियर रिग्रेशन निकालते कैसे हैं, आप इसको प्लॉट करके भी दिखाएंगे। तो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे हमारा काम आना आसान हो जाए। लीनियर रिग्रेशन 3 के नाम से एक फाइल बनाते हैं, और प्रैक्टिस क्वेश्चन क्या है ये मैं आपको पहले से बता देता हूँ। आप आते हैं अपने फोल्डर में, और फोल्डर में आने के बाद हम जो है एक और डाटा लेते हैं। ये कैनेडा की इकोनॉमी का डाटा है, खोल दिया हमने इस डाटा को। इसके अंदर देखें बेशुमार 48 के करीब रॉज हैं और कॉलम्स हैं। ये एयर है 1970 और इनकम है पर कैपिटा, सही है। कनाडा की इकोनॉमी का डाटा है ये, और इस डाटा को हम यहाँ से कॉपी करते हैं और अपने मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट, क्योंकि जहाँ पे हमारा कोड है वहाँ पे मौजूद होना चाहिए, यहाँ पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है। और इस पे हम प्रैक्टिस करने की कोशिश करते हैं, और ये लीनियर रिग्रेशन का जो हमने पहला सवाल लिखा था इसी को कॉपी करते हैं यहाँ पे, और लीनियर रिग्रेशन 3 में आके हम इसको पेस्ट करते हैं। और इसको हमने वही लाइब्रेरी इंपोर्ट की, लेकिन अब यहाँ पे हम CSV फाइल जो रीड कर रहे हैं वो किसकी कर रहे हैं, कनाडा की इकोनॉमी की। तो हमने कनाडा इकोनॉमी लिखा, इसने खुद प्रेडिक्ट कर लिया, यहाँ पे हमने कनाडा इकोनॉमी लिख दिया। फिर उसके बाद हमने रिग्रेशन लगाई इसके ऊपर, और रिग्रेशन लगाने में हम क्या लिखेंगे, अब हमारा जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसको चेंज करेंगे। यहाँ पे हमने एयर लिख दिया एयर, क्योंकि उस कनाडा की इकोनॉमी के फोल्डर में क्या क्या चीज़ें, एयर है और दूसरा क्या है, इनकम। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज किया इनकम, और अब हम प्रेडिक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई 2020 में क्या इनकम होगी। हमने ये देख लिया कनाडा की इतने सालों की इनकम ये है। तो याद रहे, हम जब प्रेडिक्शन लगाते ज़रूरी है यही डाटा, अगर आपने लाइन बेस्ट फिट बना ली तो अब आप 10,000 फिट का भी डाटा हो उसके ऊपर भी प्रेडिक्शन लगा सकते हैं, यानी लाइन आगे चली जाए यहाँ पे भी आप प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। तो हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं कनाडा की इकोनॉमी 2020 में क्या होगी, क्योंकि हमारे पास 1970 से सारा डाटा मौजूद है। तो अब हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं तो ये हमें 2020 की इकोनॉमी बताएगा। तो देखें ये प्रोग्राम रन हो रहा है, और इसने बता दिया 4,188 इनकम पर कैपिटा होगी 2020 में कनाडा की। तो हम ज़रा देखते हैं हमारी जो पुरानी जो हमने फाइल थी ये कनाडा की इकोनॉमी की, इसमें क्या है 1970 से क्या ग्राफ चल रहा है कनाडा का। तो ये देखें ये सारा ग्राफ यहाँ पे नज़र आ रहा है, और हम इस ग्राफ को पाइथन से भी प्लॉट कर सकते हैं। और आपको याद है आप एक्सेल फाइल भी मैनिपुलेट करना सारे लोग जानते हैं, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, सबको मालूम है क्या कर सकते हैं, इस ये जो हमारे पास डाटा है इसको हम ऐसे भी प्लॉट कर सकते हैं। अगर आपको प्लॉट करना आता हो तो लाइन प्लॉट भी कर लें, इसके अंदर प्लॉट का ऑप्शन मौजूद होता है। तो ये वाला प्लॉट हम यहाँ पे कर देते हैं, ये देखें ये हमारे पास एयर्स नज़र आ रहे हैं, और ये प्लॉटिंग इकोनॉमी का डाटा नज़र आ रहा है। तो हमारे पास 2016 तक का 34229 था, और हमने पाइथन से प्रेडिक्शन लगाई है इसके ऊपर, और लीनियर रिग्रेशन लगा के इसने क्या बोल दिया 4,188 ये इकोनॉमी हो जाएगी 2020 में। तो आप लीनियर रिग्रेशन सीखें, लीनियर रिग्रेशन एक लाइन में ये जो इतना सारा मेहनत का काम था जो कि आप मैन्युअली करते आ रहे थे मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में, मीन निकालना, फिर स्लोप निकालना, फिर बेस्ट फिट लाइन निकालना, फिर मीन स्क्वायर एरर निकालना, एरर निकाल के लाइन को ढूंढना, ये सारा काम बहुत आसान हो गया है पाइथन से। तो अगर आप पाइथन इस्तेमाल करना जानते हैं और पाइथन के लीनियर रिग्रेशन के फंक्शन समझते हैं, तो और भी लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी अप्लाई कर सकते हैं, मल्टीपल वेरिएबल का रिलेशंस भी निकाल सकते हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और मैंने आपको कहा प्रिडिक्शन, फोरकास्टिंग, किसी भी डाटा को, किसी मशीन के डाटा को
किसी कंट्री के डाटा को, किसी इंडस्ट्री के डाटा को, किसी इकोनॉमी के डाटा को, किसी पॉपुलेशन के डाटा को, सबको लीनियर रिग्रेशन से एनालाइज कर सकते हैं। सेल्स निकालने तो सेल्स पे जितने फैक्टर डिपेंड करते हैं, एम्प्लॉयज और जो है ना गर्मी, सर्दी, बीमारी और क्या कहते हैं सेल के अच्छे सीजन, वो सारे के सारे आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल में डिवाइड करके सब पे प्रेडिक्शन लगा सकते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये आपके लिए, और उम्मीद है ये सबको समझ में आया हो। किसी का कोई सवाल है तो मुझसे पूछ सकता है, और भी हम इसके असाइनमेंट क्वेश्चन आपसे शेयर करें।